स्टार्ट। हेलो एवरीवन, सारे में सत श्री अकाल। माय नेम इज कुलजीत फ्रॉम अमृतसर। आज मैं बना रही हूँ वेज गलौटी कबाब। उसके लिए मैंने लिया है, ये मैंने ओवर कुक राजमा लिए। इसको मैंने अच्छे से बॉईल करा है। ये ऐसे सॉफ्ट बिल्कुल जैसे मैश होने चाहिए। और एक कप मैंने लिया बेसन और ये फ्राइड अनियन लिया मैंने। इनको मैं थोड़ा मिक्सी में पीस लूँगी, बाद में आपको दिखाती हूँ। ये मैंने मसालों में लिया है कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, आमचूर, नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च। और ये लिया मैंने चाट मसाला थोड़ा सा, और ये अदरक और लहसुन, मिंट लीव्स, और मैंने लिया ये अमूल का देसी घी और लिया ये अमूल चीज़ स्प्रेड। अब मैंने ये अनियन लिए हैं थोड़े से, इसमें मैंने थोड़ी सी कर्ड डाली है और थोड़ा नमक और लाल मिर्च डाल के इसको मिक्स किया है ताकि हम कबाब के साथ इसको सर्व कर सकें। चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं एक बाउल में ये ओवर कुक राजमा लूंगी। ये 2 कप जितने मैंने लिए हैं राजमा। अब इसको मैं अच्छे से मैश करूंगी। आप चाहे इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा दरदरा ही रखूंगी, इसलिए मैं इसको मैशर से मैश कर रही हूँ। ये अच्छे से मैश हो गया हमारा। अब इसकी बाइंडिंग के लिए मैंने जो 1 कप बेसन लिया था उसको मैं थोड़ा सा रोस्ट करूंगी। इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए थोड़ा सा। अच्छे से इसको हिलाते रहना ताकि थोड़ा ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, मैं थोड़ा लाइट ब्राउन ही रखना है इसको। तब तक ये हो रहा है, थोड़ा इसको गैस स्लो कर देते हैं। इसमें मैं मसाले डाल लेती हूँ। ये मैंने 1 चम्मच लिया है गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, ये आमचूर लिया मैंने 1 चम्मच, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। ये काली मिर्च लिए मैंने, ये भी आधा चम्मच जितनी डाल रही है मैं। थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है मैंने, आप जैसे में हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। ये मैंने लिया चाट मसाला थोड़ा सा। अब इसमें डालूंगी मैं ये थोड़े से मिंट लीव लिए मैंने, इसको क्रश करके मैं इसमें डालूंगी। इसको हम क्रश करके डालें ताकि इसका फ्लेवर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी आप सबको एंड अमूल टीम को, एंड स्पेशल थैंक यू दीपा मैम, थैंक यू सो मच। आप सबने मुझे इतना प्यार दिया। अब मैं जो मैंने ये रखा अपना बेसन, ये हो गया हमारा। थोड़ा सा ये हमने इसको करना था रोस्ट। गैस ऑफ कर दी। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा बेसन, मैंने 1/2 कप जितना पहले डाल दिए। इसकी बाइंडिंग करके हम देख लेते हैं कितना मैं और चाहिए, फिर हम इसमें मिक्स कर लेंगे। इसके हमने बनाने के बाद तो अच्छे से इसकी मिक्सिंग अच्छे से होनी चाहिए, अच्छे से बाइंडिंग होनी चाहिए। मैं अभी फ्राइड अनियन करने के लिए इसको मिक्सी लेके आई हूँ। 1 सेकेंड। अब मैं मिक्सी में डालूंगी ये फ्राइड ऑनियन डाल दूँ, इसको थोड़ा सा चॉप कर लेंगे, थोड़ा मैश हो जाएंगे ऑनियंस। अब इसमें मैं डालूंगी ये अदरक लहसुन जो मैंने लिया था ये, अब इसको हम बीट करेंगे, दरदरा ही पीसना हमने इसको। ये हमारा ऐसे दरदरा पीसना हमने इसको, थोड़ा मोटा मोटे रखना ताकि अनियन का फ्लेवर भी आए कबाब में। ये मैंने अनियंस को लंबा ऐसे ब्रीक लंबा काट के इसको फ्राई कर लिया था हॉट ऑयल में, और पर जैसे तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो उसमें हमने करना है फ्राई ताकि ऑयल ना पिए अनियन। अब इसको हम फिर से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स होना चाहिए हमें। मैंने इसको कबाब को फ्राई करने के लिए अमूल का प्योर देसी घी है, इसके बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। आप चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं, आपका जो फ्लेवर हो मन हो। अब इसको मैं ऑयल लगाऊंगी, तब तक मैं इसके बॉल बना लेती हूँ। तब तक हम इसकी पैन की तैयारी कर लेते हैं। मुझे आधा कप ही लगा, आप अपने मिक्सचर के हिसाब से डाल सकते हैं, बेसन अपने हिसाब से। मेरे को आधा कप ही लगा। अब इस पैन में मैं ये अमूल का मैंने जो घी लिया है वो ऐड करूंगी। ये मैंने लिया है अमूल का प्योर देसी घी, बहुत अच्छा फ्लेवर है इसका। अब इसमें डालिए 2-3 टेबलस्पून मैंने इसमें घी डाल दिया। हमने कबाब को शैलो फ्राई करना है, आप चाहे तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं। अभी जल्दी मैं अपने थोड़ा हैंड पे लगाऊंगी ताकि मिक्सी में ये कबाब बना सकूं, हैंड पे चिपके ना। अब हम इसके ऐसे फ्लैट टिक्कियाँ बना लेंगे। मैं इनके बनाती हूँ, इसे बना लेती हूँ सारी, फिर हम इसमें इकट्ठे शैलो फ्राई करेंगे। ऑयल आप जरूर लगाएं अपने हैंड पे ताकि ये चिपके ना हाथ पे। आपको जो पसंद है, राजमा पसंद है, ब्लैक ग्राम, वाइट ग्राम, आप सबसे बना सकते हैं। ये वाले कबाब बहुत टेस्टी बनते हैं, जरूर ट्राई करें एक बार। और मैं फिर से ऑयल लगाऊंगी, ये चिपकना शुरू हो गया मेरे हाथ पे, थोड़ा सा ऑयल लगाना चाहिए। गैस को मैंने स्लो कर दिया, घी हमारा गर्म हो गया। अब मैं ये सारी टिक्कियाँ जो मैंने बनाई हैं अब इनको मैं शैलो फ्राई करूँगी। आप चाहे तो इसको एयर फ्राई में कर लें, फ्राई कर लें, आपका जो टेस्ट हो। बस मैं इसको बना रही हूँ हेल्दी वे में, इसलिए इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। थोड़ी सी गैस हम कर देते थे। अब इनको हमें ज़्यादा हिलाना नहीं है, अच्छे से कुक हो जाएगा तब तक। तब तक बना लेते हैं हम। ये मैंने अमूल का लिया है, ये गार्लिक चीज़ स्प्रेड। अब इसको मैं इसके साथ सर्व करूँगी। अब इसमें डालूंगी ये थोड़े से मिंट लीव, सॉल्ट, थोड़ी ब्लैक पेपर। ये इसमें मैंने डाला है। अब इसकी हम डिप बनाएंगे। अब इसमें मैं डालूँ थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी ब्लैक पेपर और ये थोड़े से मिंट लीफ फ्रेश ले रही हूँ। अब इसको हम क्रश करके डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये मैंने डिप बन के रेडी है। तब तक हम अपने कबाब देख लेते हैं। इसको हम हल्के हाथ से, ज़्यादा नहीं हिलाना है इसको। गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको कुक करना है। गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ी सी गैस हम और कर लेते तेज। अब इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर देते हैं ताकि आप साइड से ये अच्छे से क्रिस्प हो सके। गोल्डन ब्राउन होने तक करेंगे, थोड़ा सा मक्खन लाते रहेंगे ताकि एक साइड से ये ज़्यादा ब्लैक हो जाए। तब तक हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। मैंने ये प्लेटर लिया। अब इसमें मूंगी जो मैंने बनाई है, अनियन मैंने आपको बताया था, इसकी रेसिपी अब आपको बता दूंगी। ये मैंने अनियन लिए, इनको मैंने थोड़ा सा कर्ड डाला, नमक, लाल मिर्च और चाट मसाला डाल के इसको ये अचारी स्टाइल थोड़ा फ्लेवर है। ये अनियन बनाए मैंने इसके साथ सर्व करने के लिए, बहुत टेस्टी लगती है इसके साथ। अब जो हमने डिप बनाई है इसको हम इसके साथ सर्व करेंगे। आप इसके अंदर कई गार्लिक पाउडर डाल सकते हैं और फ्लेवर इसको करने के लिए। इसकी खाने के लिए मैंने ये फ्रेश मिंट लीफ लिए। थैंक यू सो मच जो मेरी वीडियो देख रहे हैं इस टाइम मेरे साथ लाइव हैं। थैंक यू फ्रेंड्स मेरे को इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू दीपा मैम। हो गई ये मेरी एक हो गई है, अब इसको मैं निकालूंगी यहाँ पे। स्लोली स्लोली बनाना है इसे, गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसको कुक करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना हमें। अब इसको मैं सर्व करूंगी। ये हमारी हो गई है रेडी। प्लीज ट्राई करके जरूर बताएं कैसे लगी आपको ये रेसिपी। रेडी है हमारे गलौटी कबाब। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू अमूल एंड थैंक यू सारियां बहुत सारा मैंने प्यार दिता। थैंक यू सो मच।